गुड मॉर्निंग किड्स, आज आपकी हिंदी की क्लास है। प्रीवियस क्लास में हमने क्या सीखा था? क से कबूतर और ख से खरगोश, है ना, यानी क और ख। आज हम ये ग और घ, यानी ग से गमला और घ से घड़ी, आज हम ग और घ सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये आप लोगों की लाइंस है, ऐसी है ना, टू लाइन की कॉपी आपकी हिंदी की। पहले छोटी लाइंस है, फिर बड़ी लाइंस है। आप लोगों को हमेशा छोटी लाइंस में लिखना है। छोटी लाइंस में राइटिंग बहुत अच्छी आती है और छोटे छोटे लेटर सुंदर सुंदर बनते हैं। तो आप लोगों को स्मॉल वाली लाइंस में लिखना है, न कि बड़ी वाली लाइंस में, ठीक है। ये देखिए, ये ग, ग से गमला, अगेन ग, ग से गमला, या ग से गाय, है ना, ग से गाय भी होता है ना, तो ग से गमला या ग से गाय, इजी है, ठीक है। अब घ से घड़ी। अब घ से घड़ी कैसे बनाते हैं? हम पहले ये स्ट्रेट डंडा ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और ये वन और ये टू, बन गया घ से घड़ी। अगेन ये वन टू, ये यहाँ पे भी टच होना चाहिए और ये यहाँ पे भी टच होना चाहिए, और आपको इनके सर भी बांधने हैं, क्योंकि पेज की लाइंस तो ब्लू कलर की होती है ना, फिर आप उसके ऊपर पेंसिल से लाइंस ड्रॉ करोगे ना, तो मतलब इसे सर बांधना कहते हैं, ठीक है। तो ये सर बांधोगे आप, तो आपका अक्षर और सुंदर लगेगा। और अगर आपने अभी से लाइन ये सर बांधना नहीं सीखा, तो फिर आप बड़े हो जाओगे तब भी नहीं बांधोगे, तो फिर राइटिंग भी गंदी आती है और कॉपी भी सुंदर नहीं लगती, तो उसके लिए ये ज़रूरी है, ठीक है। तो आज के लेटर हैं आपके ग से गमला और घ से घड़ी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपने ये बनाना सीख लिया होगा। वही सेम CW और SW, CW में भी पूरा फुल पेज घ से गमला और एक घ से घड़ी, ठीक है। इससे आपको इसके लिखने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको लर्न भी हो जाएगा, ठीक है। Bye.